हाय 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है संडे और गाइस सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि आज मुझे जाना है गाड़ी बनवाने के लिए। तो गाइस अभी सब लोग सो ही रहे हैं क्योंकि आज संडे, तो गाइस सबका प्लान है लेट तक सोने का, मेरा भी था, लेकिन गाइस मुझे गाड़ी बनवाना है तो गाइस इसलिए मैं उठ गया हूँ। और गाइस अभी सुबह के बजे 8:30, तो गाइस अभी जा रहा हूँ क्योंकि भूखे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भूखे फिर क्या मिलेगा क्या नहीं, तो इसलिए गाइस अभी चलते हैं और केले का शेक बनाते हैं और पी के फिर चलेंगे फटाफट से। इस फाइनली इतना मुशक्कत के बाद मैंने अपना शेक बना लिया, बनाना शेक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए मैंने अपना बनाना शेक बना लिया और ऊपर से गाइस मैंने ये पिस्ता बादाम डाल दिया है ऊपर से, कि मस्त लग रहा है देखने में और ये सेहत के लिए हेल्दी भी होता है गाइस। तो चलिए गाइस फटाफट से पीते हैं, से निकलते हैं गाइस क्योंकि लेट भी हो रहा है। इस शेक पी लिया मैंने और मस्त टेस्टी सा बना था गाइस, तो चलिए अब निकलते हैं क्योंकि लेट भी हो गया, 9 बज गया गाइस, तो चलिए चलते हैं। गाइस नीचे आके मैंने बाइक की कर ली है सफाई और भाभी ने मुझे कूड़ा ही पकड़ा दिया इसको फेंकने के लिए, और मेनली गाइस मुझे फ्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए गाइस पहले फ्यूल डलवाते हैं और फिर चलेंगे सर्विस सेंटर जहाँ पे गाड़ी को रिपेयर करवाना है, तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइस कूड़ा भी फेंक दिया मैंने और फ्यूल भी डलवा लिया है गाड़ी में, तो चलिए गाइस फटाफट चलते हैं सर्विस सेंटर, वरना वहाँ पर भीड़ हो जाएगा, फिर बहुत लंबा लाइन में लगना पड़ेगा। चलिए गाइस चलते हैं और फटाफट से गाड़ी को वहाँ पहले देंगे और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो चलिए चलते हैं। मैं आ गया हूँ दिल्ली के सर्विस सेंटर में, एक्चुअली पहले मैं वहाँ गया था कौशाम्बी वाले में, लेकिन गाइस वहाँ पे 35 गाड़ियाँ हैं लाइन में, तो गाइस वहाँ से आके मुझे दिल्ली में आना पड़ा क्योंकि पड़पड़गंज में है ये। तो अभी गाइस 17वां नंबर है मेरा, देखते हैं कब तक हो पाता है। गाइस वहाँ सर्विस सेंटर से निकलने के बाद मैं आया था जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी ट्रू बाइक से, तो गाइस उन लोगों को मैंने बोला है भैया ऐसी दिक्कत है गाइस, क्योंकि वहाँ जहाँ एजेंसी में गाड़ी बनवाने गया था उन लोगों ने 10 से 12 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा बताया था, और गाइस गाड़ी मैंने 36,000 में खरीदी और 10-12 हज़ार का खर्चा करना मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैंने गाइस बोल दिया उन लोगों को जिससे गाड़ी ली, भैया कि ऐसी मतलब वो तो थे नहीं जिनसे हमने गाड़ी ली थी, वो थे नहीं बट उनका स्टाफ था, तो उनको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि ऐसी ऐसी गाड़ी में दिक्कत है। तो उसने बोला कि भैया अभी हमारे वो भैया है नहीं, तो आप 1 बजे के बाद एक बार आकर उनसे मिल लीजिएगा जैसा हो, ठीक। तो मैं गाइस कोशिश करूँगा कि इस गाड़ी को वापस ही कर दूँ, नया गाड़ी ले लूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं घर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं भाभी लोग क्या कर रहे हैं बाहर अभी। तो गाइस ये देखिए भाभी बैठी ज़मीन में पानी पी रहे, भैया यहाँ पे उपमा खा रहे हैं, उपमा ही है ना ये, क्या नू दो दो कप में चाय पी रहे हैं। आपका वाला है? अच्छा मेरा वाला है। अच्छा तुम्हें बात बताओ, गाड़ी में पूरा 2-3 हज़ार रुपया खर्च हुआ है। 2-3 हज़ार? तो 4-5 हज़ार रुपये खर्च हुआ बस। दो बार तो तुम्हारा क्लच प्लेट चेंज हुआ। 1800 रुपये क्लच प्लेट, एक टायर, कितने का टायर? 2100 रुपये का टायर था। 1800 प्लस 2000 मान लेते हैं, 3900 तो तुम्हारा एसी और है। और उसका वो क्लच ये वायर चेंज हुआ है बस, और कहाँ कुछ ज़्यादा करवा, तो 5000 रुपये खर्च हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। 36,000 गाड़ी लेकर 5,000 खर्च कर दी और 10 से 12,000 अभी और मांग रहा है, तो बेवकूफ़ी है ना क्या भाई उसको बनवाना, इससे बढ़िया उसको बोलेंगे भाई अपना गाड़ी लो वापस, हम लोगों को नहीं चाहिए क्या। तो अनु ठंडा चाय आप सिप लेकर पी रहे हो, तो एक गाइस मैंने एक बार में ही चाय खत्म कर दिया था, ठीक है ठंडा हो गया था क्योंकि ठंडा चाय अच्छा लगता है। पहली बार किसी को मुंह से ऐसा सुन रहे, सब लोग गर्म चाय अच्छा लगता है, आपको ठंडा चाय अच्छा लगता है। गाइस भाभी ने उपमा बनाया था बट मुझे उपमा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने भाभी जी को मना कर दिया कि भाभी मैं खाऊंगा नहीं। तो लेकिन गाइस मैं 1-2 दिन पहले रबड़ी लेके आया था जब मैं दूध देने गया था, तो गाइस चलिए उस रबड़ी को खाते हैं। रबड़ी गाइस मुझे बहुत मज़ा लगता है खाने में, बहुत पसंद है मुझे, चलिए चलते हैं और फ्रिज में रखा हुआ गाइस रबड़ी निकालते हैं। तो गाइस ये देखिए ये है रबड़ी, और इसका टेस्ट तो गाइस जिस दुकान से मैं लाता हूँ इससे पहले मैं लेके आया था, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था, तो चलिए इसको खाते हैं पहले। हाँ गाइस रबड़ी खा लिया मैंने, थोड़ा सा बढ़िया तो, लेकिन गाइस मीठा खाली पेट में मीठा बहुत ज़्यादा लगता था, तो अभी बहुत ज़्यादा मीठा था, थोड़ा ही सा खाया मैंने। और अभी वेट करो गाइस कि कुछ हमारा आए खाना बन के, तो भाभी अभी जा रही है गाइस खाना बनाने, तो बन के आएगा फिर खाएंगे गाइस। गाइस देखिए भाभी जी हमारी लग गई है खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने भाभी को बोला भाई मुझे बहुत तेज़ भूख लगा, तो ये गाइस प्याज फ्राई हो रहा, ये
काढ़ा बन रहा है क्योंकि भैया को हो गया है खांसी थोड़ा बहुत, तो इसलिए भैया के लिए काढ़ा बन रहा है। भाभी क्या बना रहे हैं? क्या क्या बनाएंगे? आलू फ्राई कर रहे। आलू फ्राई करके पराठा आलू का बनाएंगे। आलू पराठा, वाह। ये देखा इस आटा जैसा बिल्कुल सना, अभी सना जा रहा है आलू को। इसका भाभी बनाएंगे आलू पराठा, तो मैं वेट कर रहा हूँ। सही के ना अभी उपमा नहीं खा, अभी आपके हाथ का आलू पराठा मिलेगा खाने को, मस्त टेस्टी था। वाह, क्या हुआ मुंह ऐसे क्यों बना रहे हैं? गैस खत्म होने वाला है क्या? लाल 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 निकल रहा है इसके अंदर से। गैस का पैसा गैस का पैसा का बात कर रहे हैं? 1100 रुपया जो दिया है सिलेंडर का। साला गैस कितना महंगा हो गया ना भाभी, कहाँ 400-500 गया था। जान फटाफट गूगल पे कर दो। वाह, कैश से काम नहीं चलेगा भाभी? ना, कैश मेरे पास 10,000 के करीब जमा हो गया, फिर ऐसे दिक्कत हो जाता है। अच्छा, क्या बात। 10,000 कैश में कहाँ जाएंगे भाभी? हमको दे दीजिएगा। अरे हमको दे दीजिएगा ना, डाल दो मैं पैसा बैंक में। 10,000 रुपया है मेरे पास अभी। गाइस आपको अगर कैश चाहिए तो कैश पेमेंट कर दीजिए, कैश भिजवा लूंगा मैं। तो ओ भाई आलू भी रखा गया इसमें। लेफ्टी लेफ्टी हमारे भाभी, लेफ्टी का आलू। मेरा तो लेफ्ट हैंड चलता भी नहीं है, कैसे कर लेगा लेफ्ट हैंड से? बचपन से अब काम करेगा लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड बैट्समैन। काढ़ा का देखिए भैया का बन भी हो गया तैयार, और अभी भैया को मिलेगा ये पीने के लिए। अंकल का अमरुद, अमरुद खा के जो काम किए ना, केला का, केला सुबह सुबह से केला खाते रात। सही बात है भैया। भैया भैया आप खांसी किए हैं, बेचारी भाभी आपके लिए जहरीला काढ़ा बना रही है बिल्कुल, जो कड़वा हुआ लगेगा मिर्च डाल के पूरा। अभी आ रहा आपने निकल के। भाभी ने इतना तगड़ा मसाला डाला आलू में कि मुझे छींक आ रही, देखिए आंख लाल और नाक लहर रहा, लेकिन छींक नहीं आ रहा और अजीब सा लग रहा है महक। भी क्या बना रहा, नाक लहर गया मेरा अंदर। क्या क्या डाले इसमें आप? प्याज हो, हरा मिर्च हुआ ना। अच्छा, और गजब का छींक भी आ रहा, और लेकिन छींक आ रहा बट हो नहीं रहा। क्या कह रहे भाभी? भून के बनाने से अच्छा लगता है, कच्चा कच्चा जो सब कुछ डालते हैं ना। हाँ, हमको भुजा हुआ चोखा ही बहुत बढ़िया लगता है खाने में, पता है आपको? जैसे दाल चावल और भुना हुआ आलू का चोखा मिल जाए ना, ओए होए जन्नत। भाई भाभी बाहर का मौसम बहुत मस्त हो रहा, आपको रील्स नहीं बनाना है? बनाना, पता चले कि 15 अगस्त पार हो गया और रील्स नहीं बना आपका अभी तो। चूड़ी और जो खरीद के लाए सब बर्बाद। हाँ फोड़ दीजिए कढ़ाई आप, फोड़ दीजिए पूरा। भाई साहब नहीं फूट रहा यार। डन हो गया। गाय ले रहे कि भाभी लेके आ गई भैया के लिए। भाभी दारू लेके आए क्या? गरम पैक है। गरम पैक लेके आ रहे हो? पतंग ये पतंग कहाँ से ला रहे हो? उड़ाओगे 15 अगस्त को? वाह, चलिए भैया। गाइज आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी डे है। तो गाइज अभी दोपहर के बज गए 3:30, और अभी गाइज मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। तो ये देखिए गाइज, लंच में हमारा आया है पराठा, खीर और ये सेजवान की चटनी। तो चलिए गाइज फटाफट से लंच करते हैं अपना। तो गाइज ये देखिए हमारे घर में लाइट कटा हुआ है और सब लोग लाइट गर्मी में बिल्कुल तैयार हो रहे हैं गाइज, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने। अनु को देखिए ना, अनु गर्मी लग रहा है, इधर घूमिए जरा। मतलब गर्मी में हमको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा जो ब्लैक मनी था 10,000 हम कहाँ रखे कहाँ? माय गॉड, मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं। बहुत गर्मी है, बहुत। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है भाई। हाँ ब्लैक मनी। भैया तैयार हो गए आप? भैया भी इधर तैयार हो बैठे हैं। हो गए तैयार? चले। अरे एक मिनट। तो गाइस हम लोग हो गए हैं तैयार, और तो देखिए भाभी इधर शूज पहन लिए भाभी हम लोग अब।
तो गाइज हम लोग आ गए हैं अभी नीचे और भैया अभी ओला बुक कर रहे हैं, ये देखिए। तो गाइज अभी हम लोग जहाँ घूमने जा रहे हैं उस जगह का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पहुँच के बताऊँगा कि कहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। वैसे थंबनेल देख के आपको पता तो चल जाए कहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं गाइज चलिए वहाँ पहुँच के बताते हैं कहाँ घूमने जा रहे हैं हम लोग। भाभी ये जो आप बड़ा सा पोटली लिए इसमें क्या क्या भर रहे हैं? एक फोन, एक हेडफोन, एक वाटर बोतल। ओह तेरा इसीलिए इतना भारी लग रहा है गाइज, इसको अभी मैं ढो रहा था घर से यहाँ तक ढोके मैं लेके आया। और देखिए अनु बिल्कुल तैयार हो गई है यहाँ। भैया बुक हो गया ओला हम लोग का? ये गाइस हमारा ओला बुक हो चुका है। गाइस हम लोग बैठ गए अपनी गाड़ी में देखिए, और भाभी अभी अपनी उंगलियों में नेल पेंट लगा रहे हैं वो भी कार के अंदर, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाभी हिल नहीं रहा था आपका अगर टाइम मिला तो दिखाई ब्यूटी पार्लर खोल दे क्या पोर्टेबल ब्यूटी पार्लर थोड़ा सा खराब हुआ इतना चलता है। गाइज फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक आ गए जहाँ हम लोग को आना था। तो गाइज अभी आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि कहाँ हम लोग आए हैं, देख के आप लोग भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं पहले। और गाइज ये देखिए आज हम लोग आए हैं वेद वन घूमने, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तब क्राउड देखिए भाभी, क्राउड वाह कितना क्राउड है देखिए यहाँ पे गाइज, बहुत क्राउड है, सब लोग वाटर शो का वेट कर रहे हैं देखिए। तो चलिए गाइस पहले हर एक भाभी चलिए एक एक कोने से घूमते हैं पहले कहाँ कहाँ क्या है, फिर वाटर शो जब स्टार्ट होगा तो बैठ के वाटर शो देखेंगे ठीक है। तो किधर चले घूमने? ट्रैक बना हुआ है। हाँ ये ट्रैक घूमने के लिए, चलिए गाइस पहले घूमते हैं देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। ये जॉगिंग जॉगिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक यहाँ के सोसाइटी के लोगों के लिए ना, हाँ वॉकिंग वगैरह के लिए बनाया गया है। और ये देखिए ये वेद वेद जो बना हुआ था जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, रिंग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्ववेद, चलिए ये देखते हैं पहले। जो हमारा वेद है हाँ ये मतलब ये वाला ये बना हुआ जो देखा ना यूट्यूब पे देखे थे, देखेगा इस वेद रिंग वेद यजुर्वेद शाम वेद चारों वेद यहाँ पे बने हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद वाटर शो स्टार्ट होगा, और क्राउड देखिए गाइस कितना है यहाँ पे, बहुत सारा क्राउड है देखिए यहाँ पे चारों तरफ लंबी लंबी से बिल्डिंग्स है। ये सारे ऋषि मुनियों का नाम लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे, ऋषि अगस्त वगैरह। क्या हुआ भाभी? देखिए ये शंख बना हुआ, शंख के लिए बताया गया वैज्ञानिक रूप से शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध, ये देखिएगा बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं गाइस घूमने, ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे यहाँ पे। भैया वहाँ देखिए क्या वो हाथ जैसा वो उसमें, चलिए चलते हैं वहाँ पर। पौधा का नाम भी लिखा देखिए, एक कचनार का पौधा है ये वाला कचनार का पौधा देखिए, हाँ लिखा हुआ है नाम कचनार, सब पौधा का नाम बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सब गाइस अभी कंस्ट्रक्शन के लिए भी रखा ही गया, सब बनना अभी बाकी है इन सब में। क्या हुआ अनु, मज़ा नहीं आ रहा है? अभी पता है अभी इसमें कुछ ज़्यादा वैसा बना नहीं है, लेकिन जो वाटर शो है ना यहाँ का वो बहुत बहुत मस्त है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा देखने में अभी जब स्टार्ट होगा ना तब। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अभी देखिए पूरा ये सारे फूल और जड़ी बूटी के पौधे यहाँ पे लगे हुए, और सबका नाम एक एक करके दिखाया हुआ है यहाँ पे।
तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे किस चीज़ का साल, ये साल का पौधा है और ये हर श्रृंगार अड़हुल फूल है यहाँ पे, और हर तरफ गाइस हरियाली हरियाली, बिल्कुल फूल पत्ते नज़र आ रहे हैं। आगे कुछ भाभी आगे कुछ है, चले वहाँ पे घूमने, वहाँ पे आगे अड़हुल फूल। देखिए गाइस, यहाँ पे एक ऋषि का बना हुआ है और ये कुत्ते लड़ रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से फ्लाइट भी जा रहा है, देखिए भैया। चलिए चलते हैं गाइस और ऋषि मुनि को सामने से देखते हैं। भैया किसी लोहा का बना हुआ था, है ना? देखिए गाइस, सामने से दिखा रहा हूँ मैं आपको। भी देखा जाए तो यहाँ सिर्फ वेदों का नहीं, आपको गाइस जड़ी बूटी का भी ज्ञान मिलेगा क्या, कि कौन जड़ी बूटी है, और प्लस ऋषि मतलब आध्यात्मिक बिल्कुल जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और गाइस अभी तो नॉर्मल वाटर यहाँ पे वो फ्लोडिंग हो रहा है, लेकिन गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे वाटर शो स्टार्ट होने वाला है, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा इस देखने में। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैंने भी नहीं देखा है, तो अभी वेट कर रहा हूँ मैं भी कि स्टार्ट हो वाटर शो, तो देखेंगे। तो गाइस अभी चलिए थोड़ा सा और पार्क, अभी तो थोड़ा सा घूमा हमने, पार्क बहुत बड़ा है गाइस, तो थोड़ा सा चलिए अभी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं साथ में। ये देखिए भाभी तो बिजी हो गए रील्स बनाने में, और उन्होंने मुझे अपना ये पर्स थमा दिया है, और भाभी यहाँ अपना हेडफोन वेडफोन निकाल लिए हैं, तो अकेले रील्स बनाएगा आप, बना दें हम बना दो, तो पर्स कौन पकड़े, अनु को पर्स पकड़ा देते। अनु अपना इधर फोटोशूट में बिजी है, भैया फोटोशूट कर रहे हैं। अनु क्या अनु भैया, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है युद्ध, क्या क्रिएटिव बना हुआ है, देखिए आज देखिए ये युद्ध वाली मूर्ति के ठीक सामने, और ये देखिए ये हल्दी लगाया हुआ पूरा, ये पूरा हल्दी है गाइस यहाँ से वहाँ तक, ये देखिए तो दिखाता हूँ मैं, चलिए ये देखिए हल्दी का पौधा है गाइस, ये पूरा एक तरीके से खेती तो फूल भी आ रहा है। ये देखिए इस पार्क में साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे, ये साइकिलिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, पूरा साइकिलिंग ट्रैक बना। और ये देखिए यहाँ पे पत्थर से गौ माता को बनाया गया, पत्थर से गौ माता बना हुआ है यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं और आगे, ये देखिए ऋषि का वेद बन, देखिए क्या मस्त प्लांटिंग किया हुआ यहाँ पे, ये देखिए गाइस यहाँ से आपको भीड़ भी दिख रहा होगा, तगड़ा भीड़ है यहाँ पे। शाम के टाइम में फैमिली के साथ घूमने के लिए मस्त स्पेस है, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं। तो अभी चलिए गाइस सामने एक मंदिर है वहाँ चलते हैं। देखिए सामने बहुत सुंदर सा मंदिर है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गाइस पार्क के बाहर है, तो देखेंगे पार्क से निकलते टाइम अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ तो ज़रूर इस मंदिर में चलेंगे, शायद ही हनुमान जी का मंदिर है गाइस। देखिए ऊपर दो, ये देखिए दो ये बंदर बैठे हैं ऊपर, बहुत बढ़िया मंदिर है। मैं भैया और भाभी को ढूंढ रहा था बहुत देर से, वो लोग देखिए यहीं पे बैठ के फोटो शूट करवा रहे हैं, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए भैया तो दिख गए और भाभी वहाँ बैठे हुए देखिए फोटो शूट करवा रहे हैं, और अन्नू सामने खड़ा। अन्नू आपको फोटो शूट नहीं करवाना, आपको फोटो शूट नहीं करवाना है भाभी तो करवा रहे, वो मस्त फोटो शूट देखे हैं, सहनसा वाला स्टाइल में बैठे हैं। देखिए इस सामने टेडी, देखते हैं टेडी बियर को देखो बच्चे के साथ खेल रहा है वो टेडी, टेडी 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 ये
हाय 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 गाइस, यहाँ पे जड़ी बूटी और उनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये ब्राह्मणी, यहाँ देखिए घृत कुमारी, अच्छा एलोवेरा का नाम है घृत कुमारी। ओके, ये देखिए तुलसी, ये तो सबके घर आंगन में तुलसी का पौधा होता ही है गाइस। तो ये रहा अश्वगंधा, ये रहा पत्थर चट्टा। ओके, और इधर भी क्या क्या है देखिए, अजमदो अजमोद, अच्छा ये तो बहुत छोटा पौधा दिख ही नहीं रहा। ये है अपराजिता, ये अपराजिता ब्लू ब्लू सा फूल होता है, ऐसा बहुत बढ़िया फूल होता है। और ये सतावर, ये खाली ऐसा गर्मी में सूख गया आई थिंक। तो गाइस चलिए, बहुत ढेर सारा जड़ी बूटी भी यहाँ पे लगा हुआ है। और जैसे जैसे शाम हो रहा, भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है यहाँ पे। देखिए कितना भीड़ हो गया, इस साइड से कम दिख रहा है आपको, मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और भैया और भाभी फिर से कहीं चले गए, तो चलिए चलते हैं, कहाँ गए वो लोग। जब देखेंगे तो साइड से जब पूरा प्लांटिंग किया हुआ, जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखेंगे यहाँ। अभी गाइस कुछ समय पहले ही ये बना है ये पार्क, तो इसलिए पौधे अभी छोटे छोटे से हैं। तो गाइस एक बार चलिए मंदिर को सामने से देखते हैं, मैंने आपको दूर से दिखाया था, यहाँ से पूरा दिखेगा मंदिर। ओ गाइस, ये माता रानी का मंदिर है, ये देखिए ये माता रानी का मंदिर है गाइस। माय गॉड, देखिए भैया अभी मुझे छोड़ के यहाँ चले गए। गाइस यहाँ पे देखिए एक ऋषि का मूर्ति बनाया हुआ है, जहाँ पे उनके शिष्य पढ़ रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये रहे ऋषि, ये सारे उनके शिष्य जो यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए भाभी आपको भी लेना ज्ञान, तो बैठ जाइए। वो क्या है भैया वहाँ पे, वो गोल गोल सा, चले वहाँ पे, चले वहाँ चले भाभी, आते घूम। देखिए इसी पार्क के दूसरे कोने पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे एक गोल गोलाकार बना हुआ है, इसे पूरा हिंदी वर्णमाला लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा हिंदी वर्णमाला इसमें लिखा हुआ है, बट इसमें ज्ञान से तो ओम भूर भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, पूरा ग्राउंड में लिखा हुआ ओम भूर भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। गाइस ये देखिए भाभी के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं अभी बूटी के बाल, और एक भाभी के लिए सरप्राइज है इसमें, जिसको देख के भाभी अभी खुश हो जाएंगे, बिल्कुल चेहरा में एक हंसी आ जाएगा सच में। ओ अनु कहाँ देख, कपड़ा में चिपक गया आपको उधर पटाखा तोड़, अरे स्टार्ट हो गया भाभी सो, चलिए जाओ, देखो हम नहीं जा रहे अभी, कहाँ जाएंगे। ये देखिए क्या लाए आपके लिए हम, कपड़ा पहने की पानो नहीं खा पाएंगे। अरे ऐसा नहीं यार, कपड़े में सुपारी पानी नहीं, आप पूरा निकाल सकते, थूकना नहीं है पान को, लीजिए खाइए, खराब हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। तो कहाँ रखेंगे इसको, रखो हाथ में, अरे नहीं कपड़ा लग जाएगा, डाल देना, तो हम खाएंगे पकड़ी। गाइस ये देखिए पान लेके आऊंगा मैं चेरी वाला, तो इसको खाते हैं गाइस फटाफट से। पान खाने का प्लान हम दोनों का हो गया है कैंसिल, हम लोग इसको घर पे खाएंगे, क्योंकि गाइस हम लोग दोनों ने लाइट लाइट कपड़ा पहना है, और एक बूंद भी अगर गिरा पान का तो कपड़े बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे गाइस, तो इसलिए पान हम लोग घर पे खाएंगे। तो गाइस हमारा शो भी लगभग स्टार्ट हो गया, वाटर शो, तो चलिए गाइस देखते हैं, मजा आएगा। क्या पान खाइएगा भैया, डार्क कपड़ा पहन गया इसलिए पान खाना चाह रहे, लीजिए भैया खा लीजिए। तो देखिए भाई भैया का हिस्सा भाभी पान खा रहे हैं, रिकॉर्ड करके लाओ ना, देखेंगे। तो चले गाइस सो देखते हैं, और ये अनु ने मुझे दिया खाने के लिए, तो खाते हैं और करते हैं। गाइस देखिए शाम होते हैं, सारी लाइटिंग यहाँ पे चालू कर दी गई है, और क्राउड भी गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए रियली भी गाइस बहुत ज़्यादा ही क्राउड यहाँ पे इकट्ठा होता है ये शाम को ये वाटर शो देखने के लिए। गाइस भाभी और भैया लोग उधर ही बैठे हैं अभी, मैं अकेले ही आया हूँ देखने, चले गए जहाँ मुझे जगह मिल गया, तो पहले बैठते और यहीं से शो का आनंद लेते हैं।